दोस्तों, कहीं ना कहीं आपने इस फोटो को देखा ही होगा जो कमल यानी लोटस जैसा नजर आता है। ये दिल्ली में मौजूद लोटस टेम्पल के नाम से है, यानी टेम्पल का मतलब ही होता है मंदिर। तो लोटस मंदिर दिल्ली के सबसे फेमस जगहों में से एक है। ये एक बहाई धर्म का मंदिर है। यहाँ पर ना ही कोई मूर्ति है और ना ही किसी तरह की पूजा की जाती है। तो आखिर ये बहाई धर्म क्या है? क्या बहाई धर्म के मानने वाले मुसलमान हैं? बहाई धर्म को बनाने वाला बहाउल्लाह कौन था? बहाइयों के अकीदा और नजरिया क्या है? और ये लोग इज़राइल को अपना किबला क्यों मानते हैं? और ये किस किताब को मानते हैं? बहाई धर्म कब वजूद में आया और इन लोगों की पहचान क्या है? और ये लोग अपने मुर्दों के साथ क्या करते हैं? यही हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा। और आज हम आपको दुनिया के इंतहाई अजीब और ताकतवर धर्म यानी बहाई धर्म के बारे में बताएंगे। दोस्तों, बहाई धर्म के बानी का नाम सैयद अली मोहम्मद बाब बहा था। वो साल 1820 ईस्वी को शिराज में पैदा हुआ। उसका बाप मोहम्मद रजा शिराज का बिजनेसमैन था। सैयद अली मोहम्मद उसूल तालीम के लिए करबला गया और फिर शिराज वापिस आकर 24 साल की उम्र में बाब यानी खुदा तक पहुंचने का दरवाजा होने का दावा कर दिया। दोस्तों, बाब का मतलब होता है दरवाजा। फिर इस्फीहान का गवर्नर उसका मुरीद बन गया। दोस्तों, उसके दो पैरोकार हुए, एक मिर्जा याहिया नूरी और दूसरा मिर्जा हुसैन अली नूरी, जो बहाउल्लाह के नाम से मशहूर हुआ। वो दोनों उसके धर्म के कट्टर मानने वाले बन गए। दोस्तों, उस वक्त उलमाए किराम ने बाब यानी सैयद अली मोहम्मद की जबरदस्त मुखालिफत की और उसे काफिर करार दिया। बादशाह नासिरुद्दीन के हुक्म से बिल आखिर तब्रेज के चौराहे पर उसे गोली मारकर हलाक कर दिया गया और लाश को शहर से बाहर फेंक दिया गया। दोस्तों, आज उसके मानने वालों का अकीदा है कि उसके मुरीदों ने उसकी लाश कहीं छुपा दी थी और तकरीबन 50 साल बाद फलस्तीन ले जाकर कोहे करमल पर दफन की। बहाई धर्म के मानने वाले इस मकाम को आला मकाम कहते हैं। बाब ने दो किताबें बयान और दलाइल असबा लिखी थी, जिनसे उसके मजहबी अकीदों का पता चलता है और उसके अकीदे इंतहाई कुफरिया और गंदे थे। दोस्तों, बाब एक फारसी ताजिर था और इस बात की तबलीग करता था कि माज़ल्ला खुदा जल्द एक नया नबी भेजेगा जो मूसा, ईसा या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरह होगा। बाब और उसके हजारों पैरोकारों को ईरानी हुकूमत ने उनके अकीदों की वजह से सजाए मौत दी थी। बहाउल्लाह को ईरान से जिला वतन यानी निकाला गया। बगदाद में साल 1863 ईस्वी में बहाउल्लाह ने दावा किया कि मैं वही नबी हूँ कि जिसके मुतालिक बाब ने पेशनगोई की थी, माज़ल्लाह। इसीलिए बहाई धर्म वाले बहाउल्लाह को सबसे बड़ा मसीहा करार देते हैं, क्योंकि वो इस्लाम, मसीहियत, जरतुश्तियत और दूसरे बड़े धर्मों के मुकाबले में अपने धर्म बहाई को लाते हैं। दोस्तों, बहाइयों को ज्यादा दुश्वारियों का सामना खिलाफत उस्मानिया के दौर में करना पड़ा। आज के इजराइल के एक शहर में उसे सजा काटनी पड़ी, जहां उसने जिंदगी के आखिरी 24 साल जेल में गुजारे। दोस्तों, उसका दफन होना बहाइयों के लिए ज़ियारतगाह की हैसियत रखता है, जो इजराइल में है, जो बहाइयों का किबला भी है, जिसकी तरफ मुंह करके ये लोग इबादत करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये लोग बिल्कुल इस्लाम से खारिज है मगर अपने आप को मुसलमान कहते हैं और आमाल के लिहाज से देखने में बिल्कुल मुसलमानों जैसे लगते हैं। दोस्तों, ये लोग सुअर के गोश्त को भी हलाल और आज के दौर के हिसाब से दुरुस्त मानते हैं और खाते हैं, जो इस्लाम के तसव्वुरात से बिल्कुल मेल नहीं खाता, जिनसे इनका धर्म अलग होता है। इसके अलावा बहाई धर्म में इंसानों के लिए कोई खाना हलाल या हराम नहीं किया गया और हर एक को गिजा चुनने का इख्तियार दिया गया है। दोस्तों, इन लोगों की कोई जाहिरी पहचान नहीं,
ना ही ये अपने धर्म की तबलीग करते हैं और ना ही कोई आम आदमी इनको पहचान सकता है कि ये बहाई धर्म के मानने वाले लोग हैं। मगर ये खुफिया तौर पर इस्लाम के खिलाफ चाल चलते हैं। बहाई धर्म में मरने के बाद ताबूत में रख कर दफनाया जाता है, मरने की जगह से 1 घंटे से ज्यादा दूरी पर ले जाकर दफना दिया जाता है। कब्र बना के पत्थर पर बहाई सिंबल या एक 9 नक्षत्र वाला तारा और या बहाई लिखा जाता है। प्यारे दोस्तों, भारत की जनगणना में 1991 में 5574 बहाई मौजूद थे, 2001 में 11324 और 2011 में 4572 बहाई भारत में दर्ज किए गए। भारतीय जनगणना अनुसूचित जाति से आने वाले बहाई लोगों को हिंदू मानती है। दोस्तों, पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों की जो कैटेगरी तैयार की गई है उसमें साफ तौर पर हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी, कादियानी और बहाई धर्म के लोग शामिल है। ईरान में बहाउल्ला यानी मिर्जा हुसैन अली, इस शख्स ने अक्टूबर 1852 में नबुवत का दावा किया था। बहाउल्ला का सबसे बड़ा कलमा कुफ्र ये है कि उसकी किताब की सिर्फ 1 आयत तिलावत कर लेना सारी आसमानी मुकद्दस किताबों की तिलावत करने से बेहतर है, माज़ल्ला। प्यारे दोस्तों, कज़्ज़ाब बहाउल्ला के इस एक जुमले में कुरान हकीम और तमाम मुकद्दस किताबों इंजील, तौरात और जबूर की जो तौहीन की गई है, क्या इसके बाद भी बहाई धर्म के कुफ्र और इस्लाम से खारिज होने में कोई शक बाकी है? किताबे अकदस यानी इसका मतलब है हर किताब से अफजल। बहाई आस्था का ये केंद्रीय धार्मिक पाठ है यानी इनकी ये मजहबी किताब है जो 1873 में बहाई धर्म के संस्थापक बहाउल्ला द्वारा लिखा गया था। बहाउल्ला का कुफ्र और कई बार इस बात का इकरार करना कि मैं माज़ल्ला अल्लाह का नबी हूँ, इसी वजह से ये बात साबित होती है कि ये धर्म बिल्कुल गलीज और कुफ्र है। दोस्तों, बहाउल्ला के कुफ्र का दूसरा पहलू देखिए कि वो अपनी किताब में लिखता है कि बहाइयों का किबला वो होगा जहाँ बहाउल्ला मरने के बाद दफन होगा और आज भी बहाइयों का किबला उसकी कब्र ही है। बहाइयों का झूठा नबी इज़राइल के एक शहर अका में दफन है और ये लोग अका की तरफ ही मुंह करके नमाज यानी जो भी उनकी इबादत होगी वो अदा करते हैं। दोस्तों, इनकी किताबे अकदस के पेज नंबर 28 पर नमाज बाजमात का हुक्म रद्द किया गया है। पेज नंबर 31 पर इस्लामी अहकामात रद्द करके नए तरीके बनाए गए हैं। पेज नंबर 34 पर औरतों के लिए हज के फर्ज को रद्द करने का ऐलान है। मुसलमान इस झूठे मजहब से खबरदार रहे जिसकी बुनियाद रखने वाले शैतान मरदूद ने अल्लाह के आखिरी नबी इमामुल अंबिया ताजदारे खत्म नबूवत जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली आखिरी किताब कुरान मजीद ही को बहाई धर्म ने रद्द करने का ऐलान कर दिया। दोस्तों, इन लोगों की पहचान इंतहाई मुश्किल है। अगर कोई आपके सामने बहाउल्ला या इस किस्म के किसी ऐसे शख्स का नाम ले जिसके बारे में ये कहा जाए कि वो अल्लाह का वली या माज़ल्ला अल्लाह का नबी है, तो जान जाए कि यही वो लोग हैं जो बहाउल्ला के पैरोकार है, जो शैतान इब्लीस के पैरोकार है। प्यारे दोस्तों, आप कभी भी ऐसे लोगों के चंगुल में ना फंसना, क्योंकि हमारे जो मुसलमान भाई है वो ये करते हैं कि अगर उसका नाम बहाउल्ला है, उसका नाम मुसलमानों जैसा है, तो ये समझने लगते हैं कि ये धर्म हमारा ही है, ये हमारे ही लोग हैं, ये फिरका है, ये हमारे ही लोग हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोग इस्लाम से खारिज है, इस्लाम से इन लोगों का बिल्कुल कोई वास्ता नहीं है। तो ऐसे लोगों से खबरदार रहे। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ आज की इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर ये वीडियो, ये मालूमात आपको पसंद आई है तो आप लोग इस वीडियो को, इस मालूमात को अपने मुसलमान दोस्तों, भाइयों और रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर करें और लोगों को अवेयर करें। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम।